अध्याय 17। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दी, और उन्होंने उनको ग्रहण किया है और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हूं, जैसा तू हे पिता मुझमें है और मैं तुझमें हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा।
और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं।